नमस्कार दर्शकों, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। चलिए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की तरफ। आगामी 29 अक्टूबर को राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी कूचबिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं। 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री कूचबिहार शहर के नवनिर्मित ऑडिटोरियम उत्सव का करेंगे उद्घाटन। इसके अलावा उत्तर बंग विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने बताया कि एक प्रशासनिक बैठक भी होगी। तदुपरांत 30 अक्टूबर को कूचबिहार के रासमेला मैदान में एक जनसभा के साथ राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रकल्पों के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र भी वितरित करेंगी। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने सभा स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। चोपड़ा ब्लॉक के घिरनी गांव ग्राम पंचायत के डोलापारा में तृणमूल कांग्रेस व कांग्रेस समर्थकों के बीच हुआ संघर्ष। इस संघर्ष में एक कांग्रेस समर्थक नजरुल आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। उस व्यक्ति को इस्लामपुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संघर्ष को लेकर इलाके में उत्तेजना का माहौल बना हुआ है, जिसके लिए विशाल पुलिस बल को घटना स्थल पर उतारा गया है। 7-8 जन मिले तारा अतर्कित हमला चलाए। कारा एरा एरा तृणमूलेर लोक दुष्कृति आलिपुर भाईरा आलिमुखनकार पंचायत ग्राम पंचायतेर मेम्बर तार भाईरा इत्यादि मिले अतर्कित ताके हमला चलाए। सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में अपने नवजात बच्चे से न मिलने देने के कारण एक सुरक्षा कर्मी को दांत से काट कर किया घायल विकास पासवान नामक युवक ने। इसके बाद व्यापक उत्तेजना का माहौल देखा गया अस्पताल परिसर में। ज्ञात हो कि विकास पासवान नामक युवक अपने नवजात बच्चे देखने हेतु अस्पताल गए, लेकिन उस समय रोगी विजिटिंग समय खत्म हो चुका था। लेकिन विकास पासवान अपने बच्चे से मिलने की जिद करने लगा। इस पर पुलिस कर्मी के साथ उसकी बहस हो गई। इस पर उक्त युवक ने उस पुलिस कर्मी को दांत काटकर घायल कर दिया। सूचना मिलते ही सिलीगुड़ी थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को अपने हिरासत में लेकर थाना ले गए। आदिवासियों को अपना संवैधानिक अधिकार हासिल करने के लिए अब रास्ते पर उतरना पड़ेगा, यह बातें कही पश्चिम बंग आदिवासी अधिकार मंच जलपाईगुड़ी जिला कमेटी की एक सभा में। राज्य सचिव रविंद्रनाथ हेब्रम ने उक्त बातें कही। आदिवासी अधिकार मंच जलपाईगुड़ी जिला कमेटी की आलोचना कन्वेंशन के मध्य दिए दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक संपन्न होने पर मालदा के पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से मिलकर एक दूसरे को दी शुभकामनाएं और बधाइयां। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस को परामर्श दी कि वे पत्रकारों से बेहतर संबंध बनाएं। इसी का असर दुर्गा पूजा में देखने को मिला और पुलिस एवं पत्रकारों ने मिलकर संवादों का आदान प्रदान करते हुए दुर्गा पूजा काफी सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। यही कारण है कि पुलिस के द्वारा पत्रकारिता से जुड़े सभी इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों से मिलकर शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अरुण घोष एवं 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरिंदम सरकार व दीपक सरकार सहित अन्य पुलिस अधिकारी भी उपस्थित थे। अब समय हो चुका है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Whenever you have a dream inside your heart, never let it go, because dreams are the tiny seeds from which beautiful tomorrow grows. Bright Academy and ISO 9001-2008 certified English medium co-educational school established to prepare children to face tomorrow's challenges. We teach, we care. The school provides help desk for any queries at 0353-2640467 and 9832095334. You can also write us at brightslg@gmail.com. एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो डंडा बाजे। तो बेहुनरों से बचिए और हुनरमंद को ही काम दीजिए। फोटोज एंड वीडियोस आर मेमोरीज फॉर लाइफ, लीव इट फॉर प्रोफेशनल्स। फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कॉन्टैक्ट सिमानी इंस्टीट्यूट ऑफ द जी विजन एंड प्रोडक्शंस। मोबाइल नंबर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। पूजा से पहले ही पंजाबी पाड़ा शिव मंदिर व इसके आसपास के इलाके के सड़कों का मरम्मत किया गया था, लेकिन पूजा खत्म होते न होते रास्तों की स्थिति फिर बदहाल हो गई। रोड की यह स्थिति ठेकेदारों द्वारा कम गुणवत्ता पूर्वक वाले सामग्री का उपयोग किए जाने से हुई है, लेकिन नगर निगम और काउंसिलर दोनों की नजर इन सड़कों पर नहीं पड़ रही है।
रोड की यह स्थिति ठेकेदारों द्वारा कम गुणवत्ता वाले सामग्री का उपयोग किए जाने से हुई है, लेकिन नगर निगम एवं काउंसिलर दोनों की नजर इन सड़कों पर नहीं जा रही है। असहायों एवं घुमक्कड़ों को भोजन की व्यवस्था करवाई नॉर्थ बंगाल वीडियो एडिटर्स एंड फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ने। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सोच है कि कोई भी व्यक्ति भोजन के अभाव में भूखे ना रहे, इसी उद्देश्य को केंद्र कर नॉर्थ बंगाल वीडियो एडिटर एंड फोटोग्राफर एसोसिएशन ने लक्ष्मी पूजा के उपलक्ष में बुधवार दोपहर को मालदा के टाउन स्टेशन, रविंद्र भवन मोड़, गौर कन्या बस टर्मिनल एवं अन्य जगहों पर लगभग 300 से 400 लोगों को खिचड़ी, सब्जी, पापड़ एवं चटनी का भोजन करवाया। इस अवसर पर संस्था के संपादक ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे। हमारे उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री चिंता भावना को मानुष जान ना खे थे से ही उद्देश्य के माथा रेखे हमारे नर्थ बेंगल भिडियो एडिटर फटोग्राफर एसोसिएशन पक्ष के हमारे मेम्बाररा निजे चाँदा कर निजे मध्य चाँदा कलेक्शन आज के विजय एवं लक्ष्मी पूर्णिमा उपलक्षे हमारा सारा टाउने जरा भूतुक लोक जरा क्षुधार्त लोक হ্যাঁ, আপনারা যদি এরকম যদি আমরা সঙ্গে যদি করবো, যদি আরও যদি থাকে তাহলে পরে নিয়ে আসবো, যদি খান তাহলে পরে গরিব মানুষদেরকে আরও আমরা নিয়ে আসবো। শীত ঋতুকে আরম্ভ হতেই দো वृद्धा को सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंतर्गत आसीगढ़ फाड़ी के ओसी महेश सिंह ने कंबल प्रदान किया। बृहस्पतिवार दोपहर दो वृद्धों को थाना ले आकर नया कंबल प्रदान किया महेश सिंह एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने। ज्ञात हो कि पूजा से पहले महेश सिंह अपने इलाके में रात में गश्त के दौरान उक्त दोनों वृद्धों को रास्ते में ठंड में कांपते हुए अवस्था में देखा। महेश सिंह ने इस पर उन दोनों को कंबल देने की बात ठानी थी। इसी क्रम में उन्होंने उन दोनों को नया कंबल के साथ मिठाई भी प्रदान की। इस प्रकार के मानव सेवा मूलक कार्य आगामी भविष्य में भी करने की योजना है, ऐसा ओसी महेश सिंह ने। भौगोलिक दृष्टि से कीवी फल की बागवानी के लिए काफी उपयुक्त है जगह मिरिक। किसानों के लिए कीवी की बागवानी आर्थिक दृष्टि से काफी लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि मिरिक के कृष्णनगर इलाके के निवासी रविंद्र प्रसाद गुरुंग पिछले 18 वर्षों से कीवी की बागवानी कर अच्छी आमदनी कर रहे हैं। उनका मानना है कि कीवी की खेती के लिए मिरिक की भौगोलिक स्थिति काफी अनुकूल है और किसानों के लिए आर्थिक उपार्जन का अच्छा साधन बन सकता है, इसलिए जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा किसान कीवी की खेती कर अपनी स्थिति को सुधारे। सर अब अलग ठुलठुलो शहर में पुराएर मत एक्सपेन्सिव भर यहाँ के मानी खान सकते हैं एकदम भिटामिन रिच भोरनर्स सलाद बनाकर खान के लोअर लिंगतेन युवा संघ द्वारा दार्जिलिंग के बिजनबारी स्थित केजले ग्राम पंचायत में आयोजित खुला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अपर लिंगतन की टीम ने जीत हासिल की। कालिंगपोंग वॉलीबॉल टीम और अपर लिंगतेन के बीच वॉलीबॉल मुकाबला काफी शानदार हुआ, लेकिन अपर लिंगतेन ने कालिंगपोंग की टीम को 1-3 से हराकर जीत अपने नाम कर लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी राजन सुब्बा उपस्थित थे। अब तक के लिए इतना ही, आगे बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।